Hi everyone, welcome to Engineering Survey Lab. Today I will discuss about study and temporary adjustment of plane table. The main objective of this practical is to understand a plane table surveying and plotting of the area in the field. The instrument as used in these practicals are plane table, tripod stand, alidade, U-fork or plumbing fork, plumb bob, drawing sheets, geometric box, trough compass, spirit level, ranging rods and measuring tape. को मैं थोड़ा briefly explain कर देता हूँ. Plane table. The plane table is a drawing board of 750 × 600 square millimeter. It is meant for fixing a drawing sheet over it. Then plan alidade. Alidade जो है ना वो एक wooden straight edge है और इस पे readings लिखी होती हैं. इसका एक एज जो होता है वो जिसको हम वर्किंग एज कहते हैं या रोलिंग एज कहते हैं. और इसमें दो तरह की वैन्स होती हैं, एक साइड वैन होती है, दूसरी आपकी ऑब्जेक्ट वैन होती है. साइड वैन जिससे आप देखते हैं और ऑब्जेक्ट वैन जिस पर है हॉर्स हेयर होता है, आप उससे है ना ऑब्जेक्ट को साइड करके फिर आप साइड करने के बाद इस प्लेन एलिडेट से आप. स्पिरिट लेवल है, स्पिरिट लेवल जो है ये इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि इससे आप प्लेन टेबल को लेवल कर सकें. और ये एक बबल होता है स्मॉल एक मेटल ट्यूब के अंदर. दैन ट्रफ कंपस. ट्रफ कंपस जो है इसका मेन पर्पस जो होता है कि आप ओरिएंटेशन करते हैं प्लेन टेबल की टू द मैग्नेटिक नॉर्थ. और एक मेटल एक बॉक्स होता है और उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल जो कि सेंटर पे पिवट होती है और ये फ्रीली रोटेट कर सकती है. प्लम्बिंग फॉर्क विद प्लम्ब बॉब, इसको हम यू फॉर्क भी कहते हैं. ये यू शेप या हेयर पिन शेप में एक इंस्ट्रूमेंट है और उसके एक आर्म जो होता है वो पॉइंटेड होता है और जो बॉटम आर्म है उसके साथ हुक लगी होती है जिसके साथ आप प्लम्ब बॉब को सस्पेंड. इसका जो मेन पर्पज़ है वो सेंटरिंग में इस्तेमाल होता है कि आप प्लेन टेबल की सेंटरिंग करते हैं स्टेशन के ऊपर. और दूसरा पर्पज़ ये होता है कि आप जो स्टेशन होते हैं स्टेशन पॉइंट उसको आप ट्रांसफ़र कर देते हैं ड्राइंग शीट के ऊपर बाय यूजिंग plan tabling. What is plan tabling? It is a graphical method of surveying in which the field work and plotting are done simultaneously. It is useful to fill in details between stations fixed by triangulation or theodolite traversing. तो plan table का purpose ये होता है कि जितने भी object हैं, जो plan table का main purpose ये होगा कि जो triangulation और theodolite traversing आप station fix करते हैं उसके दरम्यान जितनी भी details हैं objects हैं वो आप plan table. Procedure to set up a plane table over a station. It includes following steps. Number 1, fixing the table on the tripod stand. Number 2, leveling the table. Number 3, centering the table. Number 4, marking the north line. And number 5, orientation. Fixing the table on the tripod stand. ये आपका first step है. इसमें ये करते हैं कि आप प्लेन टेबल जो होता है आपका उसको आप फिक्स कर देते हैं ट्राइपॉड स्टैंड के अंदर बाय यूजिंग अ विंग नट असेंबली. और आपका जो होता है ट्राइपॉड की जो लेग्स हैं वो वेल अपार्ट होनी चाहिए ताकि जो रीडिंग लेने वाला है या जो ऑब्जर्वर हैं वो इजीली वर्क कर सकें. सेकंड वन इज़ लेवलिंग द टेबल. लेवल करने के लिए आपके पास जो है आपने फॉर एग्जाम्पल ऑफ वर्क करना है तो उसके लिए आप आई से जो है ना एस्टिमेशन कर सकते हैं. और एक्यूरेट लेवलिंग आप स्पिरिट लेवल से करते हैं. इसके लिए ये होता है कि आप जो स्पिरिट लेवल है वो प्लेन टेबल के मुख्तलिफ कॉर्नर्स पर रख कर उसको चेक करते हैं कि स्पिरिट लेवल जो है वो अपनी पोजीशन में मतलब सेंटर में है या नहीं है. इसी तरह आप जो है ना लेवलिंग जो है एडजस्टिंग द लेग्स जो आपके ट्राइपॉड स्टैंड की लेग्स हैं उससे भी आप लेवलिंग कर सकते हैं. मेन पर्पज़ ये होता है कि जो स्पिरिट लेवल है वो सेंटर पोजीशन पे हो, प्लेन टेबल के कॉर्नर में हो या प्लेन टेबल के सेंटर पर आप स्पिरिट लेवल को रखें. आपने लेवलिंग स्पिरिट लेवल से करनी है. दैन सेंटरिंग द टेबल. सेंटरिंग द टेबल जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना स्टेप है. इसमें ये करते हैं कि आप यू फॉर्क को यूज़ करते हैं. आप ड्राइंग शीट को सबसे पहले प्लेन टेबल के ऊपर फिक्स कर लेते हैं और उसके साथ ही आप एक पॉइंट पी को मार्क कर लेते हैं जो कि ड्राइंग शीट के ऊपर जो कि शो करता है कि एक कोई भी टेम्परेरी पॉइंट. फिर आप यू फॉर्क से ये करते हैं प्लम्ब बॉब अटैच कर देते हैं हुक के साथ और जो पॉइंटेड एज है यू फॉर्क का वो उस पिन के साथ कनेक्ट करते हैं. और जो बॉटम एज है जो बॉटम हुक वाला पोर्शन जिसके साथ प्लम्ब बॉब फिक्स है वो आप जो है ना ग्राउंड के साथ टच करते हैं. उसको आप टेबल को क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज स्लाइटली मूव करते हैं. इवन कि आप लेग्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपको जो पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर पी वो और जो आपका पॉइंट है शीट के ऊपर वो बराबर जो है ना एक ही जो है ना लेवल पे आ जाएं। और इस दौरान आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने लेवलिंग को डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। जो आपने लेवलिंग की है बाय यूजिंग स्पिरिट लेवल, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मार्किंग द नॉर्थ लाइन, ट्रफ कंपस आप यूज़ करेंगे नॉर्थ लाइन को मार्क करने के लिए। आपने एक्सट्रीम राइट कॉर्नर जो होगा शीट पे, वहाँ पे ट्रफ कंपस को प्लेस कर देना है। उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है कि जो इसका जो है ट्रफ कंपस की नीडल वो 0 0 मार्क के साथ कंसाइड कर जाए। जैसे ही ये हो जाए तो आपने नॉर्थ लाइन को ड्रा कर लेना है बाय जफ ट्रफ कंपस, और आपने टेबल को उसके बाद टर्न नहीं करना। ओरिएंटेशन ये होता है कि ये एक्चुअली जब आप स्टेशन चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका ग्राउंड एरिया बहुत ज़्यादा है और आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और इससे दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक जाना है, आपने मोर डिटेल्स लेनी है, तो आप स्टेशन चेंज करते हैं। तो जब आप सेकंड स्टेशन पे जाएंगे तो आपने सेकंड स्टेशन पे जाने के बाद सबसे पहले लिंक करने के बाद आप फ़ौरन जो है ना फर्स्ट जो आपका स्टेशन होगा इमीडिएट, आपने उसको साइड करके अपने जो है ना प्लान टेबल को ओरिएंटेशंस की ओके करनी है। तो ओरिएंटेशन परफॉर्म करने के दो मेथड्स हैं, मैग्नेटिक न्यूटन मेथड है और दूसरा आपका बैक साइटिंग मेथड है। पहला जो मेथड है ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक नीडल। इसमें फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास दो स्टेशन हैं ग्राउंड पे, ए एंड बी, ओके, स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। फिर आपने स्टेशन ए पे अपने इंस्ट्रूमेंट को जो है ना प्लान टेबल को सेंटर भी कर देना है, उसकी लेवलिंग भी कर देनी है, उसके ऊपर ड्राइंग शीट भी अटैच कर दी। फिर आपने ए पॉइंट को शिफ्ट करना है कैपिटल ए को, ड्राइंग विच इज़ इक्वल टू स्मॉल ए। फिर आपने ट्रफ कंपस जो है वो उस स्मॉल ए जो पॉइंट होगा आपने उसको वहाँ पे ड्राइंग शीट पे इसको लिख देना है। फिर आपने ट्रफ कंपस को जो है वो प्लेस करनी है एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे, और अपनी मैग्नेटिक नीडल जो है ना उसको राइट और क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना है कि वो 0 0 मार्क को कंसाइड कर ले। फिर आपने नॉर्थ लाइन ड्रा कर लेनी है। और नेक्स्ट आपने ये करना है कि एलिडेड की मदद से आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, जो स्टेशन आपका बी होगा वहाँ पे एक रेंजिंग रॉड लगा होगा, आपने उसको साइड करना है और एक लाइन ड्रा करनी है बाय यूजिंग एलिडेड। और ये लाइन जो है जो ड्रा आप करेंगे ये ड्राइंग शीट पे करेंगे, और उसके बाद आपने जो डिस्टेंस ए एंड बी वो आपने मेजर करना है, और वो जो डिस्टेंस होगा वो आपने स्केल पे ड्राइंग शीट पे वही डिस्टेंस आपने प्लॉट करना है। फिर आपने ये करना है कि टेबल को शिफ्ट करना है स्टेशन बी पे, और इस तरह के आपने जो है स्टेशन बी और वहाँ पे आपने सेंटरिंग और लेवलिंग करनी है इसी प्लान टेबल की। और आपने जो बी पॉइंट है वो क्या स्मॉल बी, आपने स्टेशन बी को शिफ्ट कर देना है ड्राइंग शीट पे और उसको आपने लिख देना है स्मॉल बी। आपने ट्रफ कंपास को एक्सट्रीम राइट साइड पे प्लेस करना है, और उसको इस तरह प्लेस करना है कि जो आपने मार्क ऑलरेडी नॉर्थ आपने मार्क किया हुआ स्टेशन ए पे उसके अलॉन्ग इसको प्लेस कर देना है। और आपने टेबल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है ताकि वो मार्क 0 0 से कंसाइड कर जाए। इस दौरान आपने ये देखना है कि इसकी सेंटरिंग आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और जो है जब आप टेबल को टर्न कर रहे होंगे, ये टेबल को टर्न करने का पर्पस ये है कि जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है वो अलॉन्ग 0 0 मार्क आ जाए, और वो उसी लाइन के अलॉन्ग आ जाए, नॉर्थ लाइन के अलॉन्ग आ जाए जो आपकी स्टेशन ए पे थी। जब सेंटरिंग और लेवलिंग परफेक्ट हो जाए और आपकी नीडल एग्जैक्टली 0 0 मार्क के अलॉन्ग हो जाए तो आपकी ओरिएंटेशन कंप्लीट। देन नेक्स्ट मेथड इज़ ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। ये थोड़ा जो मेथड है ये ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक नीडल से मिलता है, लेकिन इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जो परफॉर्म करनी है। इसमें वही आपके पास स्टेशन दो होंगे ए एंड बी, आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को ए स्टेशन पे सेंटरिंग लेवलिंग कर देनी है और स्टेशन ए को शिफ्ट कर देना ड्राइंग शीट पे और उसको शो कर देना स्मॉल ए। फिर आपने ट्रफ कंपास प्लेस कर देनी है एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे और वहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ को लोकेट कर देना है बाय यूजिंग द एज ऑफ द कंपास। फिर आपने एलिडेड की मदद से स्टेशन बी को साइड करना है। जब आप स्टेशन बी को साइड करेंगे तो एक रे जो होगी वो अपने ड्रॉप प्लॉट करनी है ड्राइंग शीट पे जो कि बाइक सेट करे जो आपका रेंजिंग रॉड लगा हुआ स्टेशन बी पे। फिर आपने डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मेजर करना है जो स्टेशन के दरमियान, उसको आपने प्लॉट कर देना है ड्राइंग शीट बाय यूजिंग अ सूटेबल स्केल, और आपके पास लाइन ए बी वहाँ पर प्लॉट। फिर आपने टेबल को शिफ्ट कर देना है स्टेशन बी पे इसकी सेंटरिंग करनी है, लेवलिंग करनी है। आपने स्टेशन बी को शिफ्ट कर देना है बल्कि आपके पास स्टेशन भी ऑलरेडी प्लाट हुआ हुआ है। आपने सेंटरिंग लेवलिंग इस तरह करनी है कि जो आपके शीट के ऊपर पॉइंट है बी वो एग्जैक्टली स्टेशन बी के ऊपर आ जाए। फिर आपने एलिडेड को प्लेस करना है अलॉन्ग लाइन बी ए और रेंजिंग रॉड को प्लेस करना है एट स्टेशन ए और आपने अपने टेबल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है कि वो रेंजिंग रॉड को साइड कर ले एलिडेड और फिर आपने इसको साइड करने के बाद जब वो साइड हो जाए तो आपने इसको वहाँ पे लॉक कर देना है, फिक्स कर देना है। सेंटरिंग और लेवलिंग है वो आपने चेक कर लेनी है कि सेंटरिंग लेवलिंग ओके है। जब वो सेंटरिंग लेवलिंग ओके है तो आपकी ओरिएंटेशन कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड लिसनिंग।